बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो कार्रवाई की तरफ ही दिलाना चाहता हूँ कि ये इजलास बरोज़ बुध मोरखा 19 जून बवक्त शाम 4 बजे मुनक्किद होने वाला था और इस वक्त 19 जून बरोज़ बुध शाम के 7 बज रहे हैं। 3 घंटे ये इजलास तहत्तुल का शिकार रहा या इसमें देरी हुई, इसकी वजूहात क्या हैं? आपको इलम होगा कि ये जो ईवान है या बलूचिस्तान असेंबली है, इसकी कार्रवाई वगैरह चलाने के लिए 1 अरब 36 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। 1 अरब 36 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने वाले इदारे पर अगर वो वक्त पे अपनी इजलास अब शुरू नहीं कर पाते हैं, उसकी गलती आया सेक्रेटरीट की है, हुकूमती अराकीन की है, हुकूमत वक्त की है, बराए मेहरबानी वो बताई जाए। इसलिए बताई जाए कि हमने 1 करोड़ 20 लाख बलूचिस्तान के अवाम टीवी के सामने बैठे हैं, वो इस मीजानिए के बजट का इंतजार कर रहे हैं। इस ईवान में हमारे कोई मिस्टेक आ गया था, उसकी वजह से डिले हो गया। मैं आ रहा हूँ, देखिए कौम को बताना पड़ता है। आप 3 घंटे, सिर्फ हमारा वक्त जाया नहीं हुआ। इस ईवान में हमारे बलूचिस्तान के सबसे सीजन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, हमारी माएँ बहनें और हमारे अराकीन और दूसरे जिलों से सूबों से आए हुए लोग बैठे हुए हैं। देखिए ये इस तरह की पोजीशन अच्छी नहीं है। मैं मुसलसल इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाते आ रहे हैं हम अपोजिशन के अराकीन, ये ज़रा बताया जाए कि इस पर कौन माजरत करेगा, इन लोगों से जो 3 घंटे इंतजार करते रहे, इन अराकीन से, इन मुअज्जिज़ मेहमानों से। जब तक वक्त की कदर नहीं होगी, 420 अरब रुपए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक जिस कौम को वक्त की कदर की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा, वक्त के इस्तेमाल का तरीकेकार उनको पता नहीं होगा, वो कौम आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो इसीलिए हम समझते हैं जनाबे वाला, आप स्पीकर हैं, आप और आपका इदारा माजरत करता है, इस पर हुकूमत माजरत करता है, हमें कौम से माजरत करनी पड़ेगी और उसकी वजूहत बतानी पड़ेगी। 3 घंटे शुक्रिया।